हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अपना डेली वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बॉडी को फोर्थ डे रेस्ट कराया था, फिफ्थ और सिक्स्थ डे हमने वर्कआउट किया था, तो आज हम करेंगे सेवन्थ डे वर्कआउट। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, 30 डेज का वर्कआउट प्लान है। जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है या वो आज से शुरू करने वाले हैं या फिर अपना वर्कआउट रूटीन बनाना चाहते हैं, तो वो इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर डे वन की वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए 30 डेज तक मेरे साथ में, इन एक्सरसाइज को फॉलो करते रहिए और अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने देंगे। 30 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आपकी बॉडी शेप में आ गई है और आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो इन एक्सरसाइज को करने के बाद बाकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो मेरे साथ आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज, जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहती हूँ, आप उस तरह मेरी वीडियोस को लाइक करके शेयर करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा, मेरी एक्सरसाइज को फॉलो करते रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले बॉडी को वार्म अप करना है, तो हम करेंगे वार्म अप। उसके लिए हम अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे इस तरह से 10 टाइम पीछे की तरफ। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें वार्म अप जरूर करना चाहिए, इससे हमारी इंजरी होने से कम चांसेस रहते हैं और हमारी बाकी एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है। हम सेकंड वार्म अप करेंगे, उसके बाद पैरों को थोड़ा कंधों की सिदाई में खोलेंगे और अपने हाथों से हम बिग सर्कल बनाएंगे 10 टाइम पीछे की तरफ। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, नजर को सामने रखना है। ओके, हम करेंगे अब ट्विस्ट। सो से 10 टाइम हमें घुमाना है, इससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और हमारी बाकी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो ये 10 टाइम करना है, उसके बाद हम सेकंड टर्न से करेंगे 10 टाइम। ओके, अब हम सेकंड राउंड करेंगे, उसके बाद में बॉडी को रोटेट करेंगे 20 करेंगे अपने कमर से। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है साइड लंजेस। इसके लिए सीधे खड़े रहेंगे, अपने पैरों को थोड़ा कंधों की सीध में खोलकर अपने हाथों को कवर कर रख लेंगे और हम लेफ्ट पैर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अपना ये वाला पैर हमें सीधा रखना है और उस तरह से हमें पीछे की तरफ रखना है और पूरा फोकस हमारे थाई मसल पे। इसे हम 10 टाइम्स करेंगे। जो बिगनर्स है वो 10 टाइम्स जरूर करें, तो बाकी धीरे धीरे इस रिलैक्स को बढ़ा सकते हैं। राइट लेग से सेम ऐसे ही रखना है। करेंगे इस तरह से पीछे तरफ। ओके,
तरह से हम स्विमिंग कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज से हमारे जो शोल्डर है मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़े। आपको 10 मिनट जरूर करने के बाद में आप इसके 20 रेप्स से लेकर जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम सुपरमैन। स्क्रीन पोजीशन लेंगे, फ्लोर पर उल्टा होकर ले जाएंगे। इसीलिए हमें अपने हाथों को आगे तरफ खींचना है और अपने पैरों के बल्ले को भी पीछे तरफ खींचेंगे और हाथों और पैरों को एक साथ हम अपनी हवा में उठाएंगे। जो बिगनर्स हैं वे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़े से स्टार्ट करें जितना आप कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो हम इसे भी कर पाएंगे, जितना आप आराम से कर पा रहे हैं नहीं करें, लेकिन जरूर करें। जैसे ये दोनों हाथों और पैरों को जरूर करें और 20 टाइम्स के लिए धीरे धीरे आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहेंगे। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है द सेम ट्विस्ट। इसके लिए भी दो सिंगल लेंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा हवा में उठाएंगे ऊपर की तरफ, पंजों को थोड़ा आगे तरफ खींचेंगे और अपने हाथों से वन बाय वन फ्लोर अप करेंगे। जो बिगनर्स हैं इतना ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप जितना आराम से उठाएंगे उतना उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए कुछ सामान भी बॉल वगैरह रख सकते हैं साइड में। इसके लिए आपको 10 रेप जरूर करने के लिए आप इसे 20 रेप तक लेके जाएंगे। इससे आपकी बिगनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप इसके रेप्स बढ़ते जाएंगे। देखेंगे कि आपकी जो कोर में सोच है उसमें काफी इफेक्ट हो रहा है और आपको फ्रेगन अच्छे से मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्लटर की। इसलिए फ्लो पर ले जाएंगे सीधा होकर, अपने हाथों को थाइस के पास रखेंगे सपोर्ट के लिए और अपने पैरों को 6 इंच तक ऊपर रखेंगे और वन बाय वन अपने पैरों को हवा में उठाते जाएंगे। ऐसे इस एक्सरसाइज में कोर मसल्स का काफी इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी बैली फैट भी रिड्यूस होगी। इसको और थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए अपने सर को ऊपर ले देंगे और इस तरह से वन बाय वन पैरों को हवा में अप डाउन इस तरह से करेंगे। इसमें हमें 20 रेप्स शुरू करने हैं। धीरे धीरे इसकी रेप्स को हम 40 तक लेके जाएंगे। जैसा की 7 डेज है तो हमें 4-6 प्लैंक सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे हमारी फुल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे फैट वो भी काफी अच्छे से बर्न हो जाता है। लेकिन आप एक दूसरे को आगे रखेंगे इस तरह से तो बर्न करेंगे पकड़ी करेंगे पीछे बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, सामने की तरफ नजर रखेंगे। तो आपको इसके कम से 35 सेकेंड तक जरूर करना है।
जो बिजनेस है वो नहीं अभी इस टाइम बढ़ा पा रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं न्यूली एप्स की से। सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। प्लैंक से हमारी फुल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारा जो फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके तो हमारे प्लैंक कंप्लीट हो गया है। इससे देखिए हमारा काफी स्वेट हुआ है, काफी पसीना निकल गया है, हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई है और इससे क्या है हमारी बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। आप इन एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करिए और बने रहिए मेरे साथ में 30 डेज तक। 30 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और आपकी बॉडी शेप में आने लगी है। तो है नहीं कमाल की एक्सरसाइज ज्यादा की, ये मैंने आपको कितनी ईजी एक्सरसाइज करके दिखाई, आप इन्हें जरूर फॉलो करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई है इस तरह से आप इन्हें करेंगे और अपनी बॉडी को फिट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने 7 डे वर्कआउट किया है तो धीरे धीरे इसकी हमारा पूरा 1 वीक कंप्लीट होने वाला है। तो धीरे धीरे हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इसके रेप्स को और आगे तक लेके जाएंगे ताकि आप अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो इन एक्सरसाइज को आप करते रहिए और मेरे साथ मुझे फॉलो करते रहिए। आप इन एक्सरसाइज को करके अपने आप को फिट बना लेंगे, अपने फैट को बर्न कर लेंगे और अपनी बॉडी को शेप में लेकर आएंगे। जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ तो आप भी मुझे प्लीज मोटिवेट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को प्रेस कर दें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो लोगों को इनकी जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, बी हेल्दी, लुक ब्यूटीफुल। बाय बाय।